नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत का सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है और इनिशियली जब 2001 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके बाद अभी तक इसकी कई वेरिएंट को बनाया जा चुका है। फ्यूचर में भी ब्रह्मोस को बेस करके इसकी एनजी वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया और इसकी हाइपरसोनिक वेरिएंट को भी बनाया जाने वाला है। अभी बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की जितने भी नए वेरिएंट अभी बनाए जा रहे हैं उन सभी की डेवलपमेंटल ट्रायल को भी 2023 से स्टार्ट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मोस की एनजी वेरिएंट होने वाली है। ये एक 1.5 टन क्लास की मिसाइल होने वाली जिसको कि हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी की बात करें तो अभी ब्रह्मोस की एलॉन्च वेरिएंट को सिर्फ हमारे सुखोई में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आगे चल के ब्रह्मोस एनजी को ऑलमोस्ट हमारे सभी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को भी थोड़ा सा इंक्रीज किया जा रहा है, जो कि पहले 290 किलोमीटर था और अभी इसको 450 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा चुका है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसकी रेंज को अभी फर्दर इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी और इसकी रेंज को 800 किलोमीटर तक यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। इसी के अलावा इसकी स्पीड को भी लगभग मक 4.5 तक इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी, जो कि पहले मक 3 तक हुआ करता था। अभी ब्रह्मोस की एयर लॉन्च वेरिएंट को एयर टू सरफेस मिसाइल के बदले एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें मेनली दुश्मन की एवेक्स को और एरियल टैंकर को इसको टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद इसके एक हाइपरसोनिक वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे ब्रह्मोस 2 के कहा जाएगा और इसकी स्पीड मक 6 से ज्यादा होने की बात की जा रही है। और आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर इन सभी मिसाइल की टेस्टिंग को शुरू करने की बात ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कन्फर्म किया गया है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर। आप सभी को पिछले एक साल से वैसा बताता आ रहा हूँ कि भारत की तरफ से भी अपनी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें आकाश सर्फेस्टर मिसाइल सिस्टम और पिनाका जैसे सिस्टम पहले नंबर पर आ रहे थे। और अभी पहली बार भारत को अपनी पिनाका रॉकेट की एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया की तरफ से भी भारत को पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए एक ऑर्डर को प्लेस किया है। इस डील की कीमत करीब 2000 करोड़ होने वाली है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि इसमें आर्मेनिया की तरफ से किन पिनाका रॉकेट के लिए भारत के पास ऑर्डर को प्लेस किया जा रहा है या फिर वो इसकी कौन सी वेरिएंट होने वाला है। जहां तक उम्मीद है कि ये पिनाका रॉकेट की MK1 या MK1 की एनहांस्ड वेरिएंट हो सकती है। इस डील को अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर फाइनल किया गया है और ये पिनाका रॉकेट का पहला और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर होने वाली है। इससे पहले भी आर्मेनिया की तरफ से भारत के साथ डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर डील को किया जा चुका था और 2020 में आर्मेनिया की तरफ से भारत से स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम को खरीदा गया था, जिसकी कीमत करीब करीब 350 करोड़ के आसपास की था और इसके अंदर 4 स्वाति रडार सिस्टम के ऑर्डर को प्लेस किया गया था। इसके बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी और उस लड़ाई में आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था, तो उस वजह से कुछ लोग जो थे वो भारत की वेपन सिस्टम के ऊपर सवाल कर रहे थे। लेकिन असल बात तो ये था कि तब तक आर्मेनिया को भारत ने सभी स्वाति रडार सिस्टम को डिलीवर भी नहीं किया था और ना ही उसकी वजह से आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो सिर्फ एक डिफेंसिव वेपन सिस्टम था जो कि सिर्फ दुश्मन की वेपन की लोकेशन के बारे में डाटा दे सकता है। लेकिन अभी जो पिनाका रॉकेट सिस्टम को आर्मेनिया खरीदने की कोशिश कर रहा है, ये असल में उनको फायर पावर देने वाला और स्वाति रडार सिस्टम के साथ अगर इसको इंटीग्रेट करके ऑपरेट किया जाता है तो ये आर्मेनिया को बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे सकता है। अगला अपडेट भी डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर। और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 1-2 सालों में हमारे डिफेंस अपडेट्स में हम इंपोर्ट से ज्यादा अभी एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करने लगे हैं, जो कि एक सिग्नल है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री अभी सही डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। अब पिछले 2-3 सालों में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आया है वो यूएवी ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन के सेक्टर में आया है। और अभी पूरे भारत में कई स्टार्टअप कंपनी सामने आ चुके हैं जो कि ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और इनमें से कुछ को तो इंडियन आर्मी की तरफ से अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा चुका है और अभी आर्मी इनको ऑपरेट कर रही है। इसी बीच आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले अफ्रीकन डिफेंस एक्सपो के दौरान कई इंडियन स्टार्टअप कंपनी और कई कंपनी अफ्रीका में जाके अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे थे और अभी सुनने को मिल रहा है कि अभी अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से इंडियन मेड यूएवीज और ड्रोन्स को खरीदने के लिए काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज का जो मेन इंटरेस्ट है वो मेड इन इंडिया स्वार्म ड्रोन सिस्टम के ऊपर है, जिनको अभी कई इंडियन स्टार्टअप कंपनी बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन स्पेसिफिक इंडियन सिस्टम पर इंटरेस्ट आने के पीछे एक और कारण ये है कि इंडियन सिस्टम मार्केट में मिल रहे बाकी ग्लोबल कंपटीटर्स के मुकाबले लगभग
40% तक कम कीमत पर मिल रहे हैं। और ऊपर से रशिया पर लगाए गए सैंक्शन की वजह से कोई रशियन सिस्टम को खरीदने के लिए जाना नहीं चाहता। और दूसरे तरफ चाइनीज सिस्टम की बात करें तो क्वालिटी इशू की वजह से ज्यादा अहमियत उनको नहीं मिला। और अभी इंडियन सिस्टम के ऊपर धीरे धीरे सब लोग शिफ्ट होना चालू कर चुके। और वैसे भी जो अफ्रीकन कंट्रीज है उन सभी की फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं होता है, तो वो महंगे सिस्टम को जाके खरीद नहीं सकते, जिस वजह से अभी इसका फायदा भारत को मिलने वाला है। अगला अपडेट आर्टिलरी गन्स को लेकर, और अभी हम ATAGS के बारे में बात करने वाले हैं। कल ही इसको लेकर एक छोटी सी रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि ATAGS की अभी लगभग सभी ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी इनिशियल बैच को अभी इंडियन आर्मी में जल्दी ही इंडक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें शायद 150 गन को इंडक्ट किया जाएगा और इनको 2023 में इंडियन आर्मी में शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके बाद कल्याणी ग्रुप की तरफ से मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वो अभी ATAGS को बेस करके एक माउंटेड गन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। अब माउंटेड गन सिस्टम की बात करें तो एक ट्रक माउंटेड सिस्टम होता है जिनको इजीली कहीं पर भी लिया जा सकता है, फायर करने के लिए कम समय में इनको तैयार किया जा सकता है और फिर फायर करने के बाद अपनी पोजीशन को बदला भी जा सकता है और पहाड़ी एरिया में इसको ऑपरेट करना या मूव करना नॉर्मल टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के मुकाबले काफी इजी पड़ जाते हैं, जिस वजह से अभी आर्मी की तरफ से टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के बदले इन माउंटेड गन सिस्टम को खरीदने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी अगर माउंटेड गन सिस्टम की बात करें तो इसमें एक 155 mm 39 कैलिबर की गन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और एक अल्ट्रा लाइट हाउजर क्लास का गन होने वाला है जिसको एक 8x8 ट्रक के ऊपर माउंट किया जाएगा। अब इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी माउंटेड गन प्लेटफॉर्म के अंदर दो अलग अलग कैटेगरी की गन को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें एक तो 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड का माउंटेन गन होने वाला है जिसको एक 8x8 ट्रक के ऊपर माउंटेड करने की बात की गई है और 155 mm और 39 कैलिबर स्टैंडर्ड के एक माउंटेन गन को इंडक्ट करने के बारे में प्रोपोजल बनाया जा रहा है जो कि एक अल्ट्रा लाइट होजर क्लास की गन होगा और इसको एक 4x2 प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट करने की बात की जा रही है। और बेसिकली एक अल्ट्रा लाइट हाउजर का ही एक माउंटेड सिस्टम होने वाला है, लेकिन देखने वाली बात यह कि क्या कल्याणी ग्रुप की तरफ से या टाटा पावर की तरफ से अभी अल्ट्रा लाइट हाउजर को एक 8x8 ट्रक के बदले 4x2 ट्रक के ऊपर इंटीग्रेट करके आर्मी को ऑफर करने की कोशिश की जाती है या फिर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।